कॉल्स की बात करते हैं सबसे पहले जोड़ लेते हैं सुशील खेडिया को हमारे साथ केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ जुड़े हैं सुशील जी गुड मॉर्निंग पहले तो आपको नए ऑफ़िस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आई थिंक अभी तो आप हमारे साथ पुराने ऑफिस से जुड़े हुए हैं लेकिन सबसे पहले तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू सो मच ओके अब आप एक बार एक काम करते हैं क्योंकि एक मुझे याद है आ, जब मैं आपसे रॉकेट स्टॉक्स लेता था पिछले साल मई में हमारी ये बात हुई थी आपने एक टेन बैगर आइडेंटिफाई किया था जी टी एन डी उस दिन रेट था एक सौ सत्ताईस रुपये आज रेट है पंद्रह सौ के पार मतलब वो टेन बैगर से ज़्यादा ही बन के आया तो पहले तो वो कॉल बहुत शानदार आई बट लेकर आई उस स्टॉक को और उसका एक साल का चार्ट जी टी एन डी का पहले तो आज इसी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक शानदार रिटर्न्स बने होंगे करीब करीब चौदह महीने में इन्वेस्टर्स के क्या यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करा रहे हैं आप हाँ अब यहाँ से हमने अपने निवेशकों को सलाह दे दी है कि अगले दस पंद्रह बीस परसेंट के लोभ में पैसा दस गुना हो जाने के बाद बाट लगा के जोते जो रहना सही नहीं है रोज थोड़ा 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 करके एग्जिट्स लेना चाहिए कोई ने दस परसेंट नीचे लिया हो ये सलाह उसके लिए नहीं है पर जो इतनी मोटी मलाई खा के बैठे हैं कि दस गुना हो गया स्टॉक तो, अब अब, अब अगला अगला तो कहीं तो लगाएंगे पैसा। अब देखो ऐसा ना हम महालक्ष्मी जी के मंदिर जब जाते हैं ना तो पुजारी को फोन नहीं कर सकते आज बादाम की बर्फी है तो ही आएंगे आरती में जो प्रसाद देगा बाजार वही खाना पड़ेगा हमें तो इस स्तर पे बाजार के टेन बैगर्स खोजना दुस्साहस ही नहीं है ये ये बिल्कुल वासना से लिप्त विचार लगता है क्षमा करिएगा मेरे कठोर शब्दों पे यहाँ बाजार पे हम्बल होने की जरूरत है फ्रूगल रिटर्न बचे हैं तीस चालीस परसेंट के ट्रेडिंग स्विंग्स पचास परसेंट तक के भी कैश में कुछ स्टॉक्स में मिल सकते हैं पर ये मल्टी बैगर्स ढूंढने की ख्वाहिश उचित नहीं लगती अब यहाँ पे ओके okay, अभी मल्टी बैगर्स को लोकेट करने की और उनको खोजने की जो गुंजाइश अभी सुशील जी को लग नहीं रही है अच्छा सुशील जी अब एक काम करते हैं पहले इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू लेते हैं फिर इस मंत्रणा को थोड़ा सा और उसका जो स्वरूप है बढ़ाएंगे निफ्टी निफ्टी बैंक पर आपका व्यू दोनों पर प्रोजेक्शन क्या कह रहे हैं आपको और स्पेशली अब जब निफ्टी को एक एडवांटेज निफ्टी आई का मिल रहा है इस मद्देनज़र तो पी से अनुरोध है कृपया मेरे स्क्रीन से जो चार्ट दिख रही हैं उन्हें प्रक्षेपित करें बैंक निफ्टी की चाल हमें बड़ी घातक लगने लग गई है अब और जब किसी इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स भी सारे के सारे एक साथ लाइन हो यानी स्टॉक्स के कोरिलेशंस जब स्ट्रोंग हो जाए तो बड़ा ट्रेंड बन सकता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ने अपना टॉप बना दिया हो और फिलहाल के लिए एक बार हम जो करेक्शन शुरू हो चुका है बैंक निफ्टी में करीबन फोर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक की इमीडिएट ड्रॉप देखते हैं और उसी के साथ साथ निफ्टी की भी चार्ट अगर आप देखो ये उसके साथ साथ निफ्टी में नहीं लगता है कि जगह है तेईस दो सौ के नीचे एक बार फिलहाल जाए और उसके बाद निफ्टी हो सकता है वापस एक नया हाई बना दे तेईस सात सौ तक का और बैंक निफ्टी मुझे लगता है धोखा दे जाएगी और इसके जो भी रिबाउंड होंगे वो बड़े कमजोर होंगे हो सकता है वो आगे हमको हर वीक आपसे इस पर अपडेट्स करने होंगे हो सकता है कि बैंक निफ्टी का पिछले सप्ताह जो टॉप आ गया उसको दोबारा रिविजिट किए बिना बैंक निफ्टी पैंतालीस चौवालीस हजार भी चली जाए तो बैंकों के अंदर बड़ी नरमी लग रही है चाहे आईसीआईसीच डी एफ सी कोटक एक्सिस जो जी मैं आग, बेच दो और क्यों इसको क्यों का आंसर है कि मेरा पान वाला और मेरे न्यूज वाले ने भी सबको पता है कि बैंक में पैसा बन रहा और बनते जाएगा ऐसा होता नहीं है तो आई के स्टॉक्स जो है वो हो सकता है निफ्टी को एक डिप के बाद नए हाई की तरफ ले जाए और बैंक्स में धोखा दे जाए ओके hmm, ठीक okay, है अब जब आप कह रहे हैं सुशील जी के माइट बी आईटी के स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे ले जाएं तो इस तेजी के पिलर्स कौन कौन से होंगे अगर लार्ज कैप आईटी में और मिड कैप आईटी में थोड़ा सा बाइसेट करके आप समझा पाए तो इस अर्निंग सीजन के दौरान उससे पहले या फिर उसके बाद अगले दस बारह दिन तो करेक्शन की संभावना ज्यादा है और उस करेक्शन के उपरांत चाहे विप्रो हो टीसीएस हो एस हो इन्फोसिस होबेंगे और एच सी एल टेक भी है ये सारे के सारे काफी ज्यादा अगले दो तीन महीने में भाग सकते हैं इंडाइसिस के विपरीत भी या जब जब निफ्टी में थोड़ा रिबाउंड आएगा आईटी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा भाग जाएंगे आप इन चारों पांचों में अगर मेरी बेस्ट पिक पूछो तो मुझे लगता है एच सी टेक ऊपर में कहां तक चला जाएगा वो आंकड़े अगर आज अभी मैं बोलूँ तो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है पुल बैक्स में आईटी टी तो दबा के लेंगे जिसमें नंबर वन चॉइस है मिड कैप कैप और स्मॉल भी सारे के सारे के चलेंगे वो सेक्टर रोटेशन है तो जो आई चला ही नहीं और वो आश्चर्यजनक से चल पड़ा जो हमने एकदम बॉटम पे तेजी पकड़ी अब वो स्ट्रेंथन होगी आफ्टर सम एक बार अगले आठ दस दिन के लिए कोई बैंक निफ्टी अकेले ही घट जाएगी दो हजार पॉइंट ऐसा थोड़े होता है वो थोड़ा सा करेक्शन एक बाजार में आने के बाद हम आईटी में वापस दोबारा से नई तेजी करेंगे सेक्टर्स की बात करते हैं एक तो पहले केमिकल्स केमिकल्स से शुरुआत करेंगे। आज केमिकल्स में अच्छे खासे रहे उनको दिया गया है, तो उनका इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं है वो प्राइस मूवमेंट्स उस तरह के नहीं कि प्रॉपर लिक्विडिटी मिले जिसमें आप एकदम गेट इन गेट आउट वाली ट्रेडिंग करें उसमें खाली ट्रेडिंग के अंदर एग्जीक्यूशन कॉस्ट लॉस और ब्रोकरेज में पैसे लगते जाते हैं तो हमारी सलाह हमारे क्लाइंट्स को यही रही है कि उनको डिलीवरी उठा के पकड़ के बैठो या डिलीवरी जितनी क्वांटिटी को बेचो तो चाहे वो नवीन फ्लोराइन हो या वो अमाइंस के स्टॉक्स हो या कोई सा ही आप ले लो मतलब कोई भी मुझे केमिकल का स्टॉक एक भी ऐसा नजर नहीं आता है जिसको आप बेच के या शॉर्ट करके पैसे कमा लोगे आगे पीछे सब में लगातार बार बार घूम फिर के तेजी बनी हुई है

यहाँ पर भी काफी तेजी रही है इधर कोई आइडियाज देखिए एक जो एम आर एफ पे जिसपे हम बहुत ज्यादा तेजी का मन बना के बैठे थे खाली वही अभी तक दबा हुआ है और सी एट लिया था सी एट उछल गया अपोलो उछल गया जेके टायर उछल गया तो एम आर एफ ने क्या कसूर किया है अब ये जैसे एक लाख तैतीस हजार के ऊपर एम आर एफ जाएगा तो हम अपनी पोजिशन को डबल करेंगे और हो सकता है एक पचहत्तर नहीं तो एक पैंसठ तक ये चला है एम आर एफ लैगा है टायर्स का बाकी तो सारे टायर्स भाग चुके हैं बिल्कुल टायर स्टॉक्स भाग चुके हैं एम आर एफ वगैरह भी घरकार है लेकिन अपोलो ने बहुत स्ट्रॉ मूव दिया अच्छा एक दो स्पेस पर और आते हैं यहाँ पर सुशील जी जहाँ पर थोड़ा सा एक सेंस लेना बनता है आपका आप देखिए जी एम आर एयरपोर्ट्स इंडिगो इनमें फिर एक मूव आ रहा है बात करते करते जी एम आर एयरपोर्ट्स फिर दिहाई की टेरिक्टी में आप, मैं बात तो आपसे पी वी आई पर भी करना चाह रहा था लेकिन जी एम आर एयरपोर्ट्स से पहले आपका टेक देना चाहूँगा इट्स नाइन्टी एट थर्टी या ऑलमोस्ट आप इस वक्त

जो यहां से अगला पड़ाव चार हजार नौ सौ पचास चार हजार नौ सौ अस्सी तक इंडिगो भी चार्ट जा सकती है एक चीज बीच में कहना चाहूंगा अनुज जो आपने मल्टी बैगर की बात पूछी ना बैगर्स तो देखे कोई नसीब से हाथ लग जाती है चीजें पर आप ही के ग्रुप के जो दो स्टॉक्स हैं जरूर कर दीजिए हमने पिछले रविवार को अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में आपके ग्रुप के जो दो स्टॉक्स हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 इन दोनों में 75 से 80 परसेंट तक का तीन महीने में ट्रेडिंग बैट का एक उछाल रिकमेंड किया है कि डिलीवरी उठाओ और ट्रेडिंग किए बिना बैठो इसको तीन चार महीने तो 70 पचहत्तर अस्सी परसेंट तक की चाल आपके ग्रुप के दोनों स्टॉक्स की चार्ट पर लगती है चार्ट्स बड़ी सुडौल और मजबूत है ओके okay. चलिए डिस्क्रेम आपके स्क्रीन पे प्लीज़ क्योंकि ये सुशीत जी की राय है बट

मेटल्स के अंदर में भी देखिए जो ऊपर और नीचे दोनों साइड की चाल ना बड़ी स्मूथ नहीं आती बहुत नॉइजी है ये तो थोड़ी छोटी साइज की पोजीशन कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स में आप लेते हैं तो मुझे लगता है चाहे आप एच डी एफ सी यहां से सॉरी हिंडाल को शॉर्ट कर लो चाहे आप टिस्को शॉर्ट कर लो चाहे आप जे एस डब्ल्यू स्टील शॉर्ट कर लो तो जैसे ही बाजार का अगला करेक्शन uh, रंग लेगा जो किसी भी टाइम शुरू हो सकता है तो हमारी फेवरेट शॉर्ट्स मेटल्स के कोई भी स्टॉक आपको मनपसंद जो आए उसको शॉर्ट करो 10 12 15% मौके पर 18 20% तक भी अगले राउंड में मेटल्स में नीचे का करेक्शन मुझे दिखता है चलिए सुशील जी बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए अच्छा लगा आपसे बात करके अगले ट्यूसडे को दोबारा आपसे बातचीत होगी अब